हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने ये 8 नंबर गोपाल जी की चोली बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच करके इसको यहाँ तक जोड़ दिया था। देखिए यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया था। अब मैं 3 की चैन लूँगी, या आप ऐसा कीजिए सेकंड कलर लगाना चाहते हैं तो यहीं से शुरू कर लेते हैं सेकंड कलर। देखिए मेरी दोनों ही प्लाई वाली ऊन है और 3 प्लाई की ऊन है ये। ऐसे बाहर मैं नोट लगाऊंगी, ऐसे अंदर लेके आऊंगी, वाइट धागे को ऐसे खींच देंगे। 1, 2, 3 की मैंने चैन ले ली है। देखिएगा, एक तो मेरा ये 3 की चैन वाला डबल क्रोशिया बन गया। अब ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया हो गए। मैं 2 की चैन लूँगी बीच में, 1, 2 में स्किप करूँगी, तीसरे में अपने फिर उसी तरह 4 डबल क्रोशिया डाल लूँगी। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बीच में मैं 2 की चैन लूँगी, 1, 2 स्किप करूँगी, तीसरे में मुझे अपना डबल क्रोशिया डालना है। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, इसी तरह 2 की चैन और 2 छोड़ूंगी बीच में, 1, 2 तीसरे में डबल क्रोशिया डालूंगी। इसी तरह मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ लास्ट में आके। यहाँ पे मैं अपने 4 डबल क्रोशिया निकालूंगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4। देखिए फ्रेंड्स, घेरे का पहला राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, लास्ट पे पहुंच चुकी हूँ। देखिए यहाँ भी मेरे 2 रह गए हैं और तीसरे में मैंने अपना शुरू किया हुआ है। अब मैं वाइट कलर ले लूँगी इस कलर को छोड़ के। देखिए इस जंजीरी के ऊपर ऐसे लेके आना है मुझे अपना वाइट कलर अंदर, और इसमें से ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, अब मैं 1, 2, 3 की चैन लूँगी। अगर आप एक कलर की ले रहे हैं तो ऐसे ही बनाते जाइएगा। अब मेरे पास आगे ये 1 है, पहले के अंदर बाहर से मैं ऐसे बनाऊँगी क्रोशिया को, और इसके बीच में 1 बार, ये 2 बार, 2 बीच में चैन लूँगी और दोबारा फिर वहीं पे बनाऊँगी 1 बार और ये 2 बार। ठीक है, बीच में मुझे मैंने 4 बार बना लिया, 2 के बीच में चैन ली है। अब इस तरफ भी मेरे 2 डबल क्रोशिया हैं, इस तरफ जो ये 2 डबल क्रोशिया हैं, पहले वाले डबल क्रोशिया को ऐसे बाहर से लूप उठाएंगी मैं, फ्रंट साइड से ऐसे थोड़ा खींच के ऐसे बना लूँगी। ठीक है, देखिए टोटल मेरे 1 तो ये जंजीरी है, 1 बाहर है, 4 अंदर और 1 इस तरफ से लिया मैंने। टोटल मेरे पास 2, 4, 6 बन गए हैं। 1 चैन 2 चैन ये 3 चैन, 3 चैन लेके मैं आगे जाऊंगी। देखिए आगे मैं सबसे पहले वाला हमें छोड़ना है हर बार, इससे दूसरे को ऐसे सामने से उठाऊंगी, ऐसे खींच के धागा 1 बार। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे मुझे 4 बार बनाना है, 1 बार ये 2 बार, 2 के बीच में चैन रखनी है और फिर वहीं पे 2 बार निकालना है, 1 बार और ये 2 बार, और 1 मुझे इस तरह से लेना है, ये पहले वाला। ऐसे फ्रंट साइड से लेंगे, थोड़ा लंबा खींच के बना देंगे। देखिए मैंने इस तरफ का भी पहला छोड़ दिया और इस तरफ का लास्ट वाला छोड़ दिया, बीच वाले में हमने बनाया है। अब मुझे 3 की चैन चाहिए, ये शुरू से लेके लास्ट तक हमारे बीच में 3 की ही चैन रहेगी। ठीक है, अब देखिए 1 छोड़ना है इस तरफ और बाद में ये वाला छोड़ना है, दोनों साइड वाले छोड़ने हैं, और बीच वाला ऐसे पहले उठाएंगे फ्रंट साइड से, खींच के धागा ऐसे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बीच में बनाऊंगे डबल क्रोशिया, 2 बीच में चैन लूँगी, दोबारा फिर वहीं पे 2 बनाऊंगी, 1 और ये 2। ठीक है, और 1 मुझे ऐसे सामने से बनाना है। टोटल मेरे 6 डबल क्रोशिया बन गए।
शुरू में हमने चार बनाए थे, एक हम बढ़ा लेते हैं और बीच में हमारे इसी तरह रहेंगे। अब तीन की चैन लूँगी और ये वाला भी मैं ऐसे ही करूँगी, पहला छोड़ दूँगी, सामने से फ्रंट साइड से उठाएंगे एक बार और ये दो बार, बीच में दो की चैन आएगी, फिर दोबारा दो बार, एक और ये दो, और ये पहले वाला ऐसे, लास्ट वाला हम छोड़ देंगे। हमारे टोटल छः डबल क्रोशिया बनेंगे, बीच में तीन की चैन आएगी। इसी तरह मैं राउंड आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा, लास्ट में मैंने तीन की चैन ले ली है। अब ये धागा मुझे चेंज करना है, इसको मैं यहीं पर छोड़ दूँगी और दूसरा अपना धागा पकड़ लूँगी। ये हमने पहले चैन बनाई थी, इसके ऊपर आगे वाले में ऐसे धागे को घुमा के हमें अंदर लेके आना है, धागा वाइट के अंदर से ऐसे निकाल देना है। अब इस वाइट धागे को अच्छे से ऐसे खींच देंगे। अब देखिएगा, एक दो तीन की मैं चैन लूँगी। देखिए, हमने पहले एक फ्रंट साइड से बनाया था, अब मैं दो बनाऊँगी, इसको छोड़ दूँगी पहले वाले को, और एक ये बन जाएगा, एक ये वाला। अब मैं दो उठाऊँगी सामने से और दो में अंदर बनाऊंगी। जो हमने दो की चैन बीच में ली है, उसके बीच में हम फिर चार बनाएंगे अपने। दो पहले बनाएंगे, एक और ये दो, दो चैन लेके दो फिर वहीं पे बनाएंगे बीच में ही, एक और ये दो, ठीक है। अब इस तरफ से ये वाला मैं फिर छोड़ दूंगी, इन दोनों के ऊपर सामने से बनाऊंगी। हर बार मैं एक एक दोनों तरफ से छोड़ती जाऊँगी और एक एक मैं बढ़ाती जाऊंगी अपना। देखिए, एक और ये दो, फ्रंट पोर्स हमने अब दो बना लिए, ठीक है। अब तीन की चैन, ये चैन हमारी तीन की ही रहेगी, ठीक है। अब देखिएगा, ये मैं पहला छोड़ूंगी दूसरे के ऊपर, हर बार मैं पहला छोड़ के आगे वाले पे शुरू कर लूँगी बनाना, तो हमारा हर बार एक बढ़ जाएगा। पहले हमारे छः आए थे, अब ये मेरे आठ आएंगे। देखिए, दो सामने से बना लिए, अब मैं बीच में चली गई हूँ, एक और ये दो, दो की चैन मुझे बीच लेनी है और दोबारा फिर वहीं पे दो निकालने हैं, एक और ये दो। अब मैं दो इस तरफ से लूँगी अपने, पहले मैंने एक बनाया था, अब ये मेरे दो बन गए। जब दोबारा राउंड घूम के आएगा, फिर ये तीन बन जाएंगे, फिर चार बन जाएंगे। इसी तरह हमारा ये एक एक बढ़ता जाएगा, एक एक हम दोनों तरफ पहले ही छोड़ देंगे तो हमारा डिज़ाइन सही आएगा। ये चैन हमारी तीन की रहेगी बीच में। एक बार और देख लीजिएगा, एक छोड़ना है हमें, आगे दो है, दोनों के ऊपर हमें ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाना है। सामने से उठाएंगे एक बार और ये दो बार। अब मैं बीच में बनाऊँगी, एक और ये दो, दो के मैं बीच में चैन लूँगी, दोबारा फिर वहीं पे दो निकालूँगी, एक और ये दो। अब ऐसे सामने से उठाऊँगी पहले वाले को, दूसरे वाले को फिर ऐसे सामने से उठाऊँगी, तीन की हमारी चैन आएगी, ये हम छोड़ देंगे लास्ट वाला। हर बार हम ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट छोड़ेंगे, सेकंड से शुरू कर लेंगे, हर बार हम अपना पहला फंदा छोड़ के बनाएंगे तो हमारा एक एक बढ़ता जाएगा और हमारा घेरे की चौड़ाई ऊपर से बढ़ती जाएगी। ये बीच में दो बनेंगे, दो की चैन आएगी, दोबारा फिर वहीं पे दो, इस तरफ से दो। देखिए, इसी तरह मैं अपने घेरे की लंबाई बढ़ाऊंगी, तीन की चैन लेके हम आगे वाले स्टेप पे चले जाएंगे, पहला छोड़ के दूसरे पे। हर बार हम पहला छोड़ेंगे, ठीक है। देखिए, ये हमारा घेरा इस तरह बढ़ता जाएगा, बहुत प्यारा हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। ये बैक लुक है देखिए, और ये सामने की लुक है। हर बार हमें पहला फंदा छोड़ के उसके आगे वाले सभी फ्रंट पोस्ट से बनाने हैं। बीच वाला हमें बीच में दो इस तरफ, दो की चैन, फिर दो, बीच में हम चार बनाएंगे सिंपल। जो इस तरफ से बनाएंगे वो सामने उठा के बनाएंगे फंदा। इसी तरह मैं अपने घेरे की लंबाई आपको बढ़ा के फिर दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ राउंड मैंने कंप्लीट किए हैं। लास्ट में मेरे पास देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात जो मैंने सामने से उठा के बनाए हैं। एक से हमने शुरू किया था, हर बार एक एक बढ़ता गया हमारा, लास्ट में मेरे पास ये सात आई हैं और ये बीच में चार हैं। देखिए लास्ट में मैंने अपना वाइट कलर रखा है, आपकी इच्छा है आप साथ का कलर भी रख सकते हैं। देखिए चोली मैंने आपको वाइट कलर की दिखाई थी, ये वाली, ठीक है, ये भी सेम उसी तरह बनी है। घेरा हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है, आप अपने हिसाब से देख के बना लीजिएगा जितना अपने गोपाल जी को घेरा रखते हैं। बहुत प्यारी हमारी पोशाक बन गई है। देखिए लास्ट में मैं जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे मैं लास्ट में इसे स्लिप स्टिच से बंद कर दूँगी, एक नोट लगा के कट कर दिया, ठीक है। देखिए दूसरा भी मैंने यहीं पे कट कर दिया है, इसको हम नीचे लेके आएंगे धागे को, दोनों पे ऐसे नोट लगा के कट कर देंगे। बहुत आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, बनाइएगा ज़रूर अपने गोपाल जी के लिए, ठीक है। अब मैं चोली के ऊपर देखिए, अगर आप कॉलर बनाना चाहते हैं तो कॉलर बना लीजिए, ठीक है। मैं ऐसे ही वाइट हाथ इसी तरह घुमा दूंगी यहाँ पे अपना वाइट कलर का धागा बांध के। अगर चोली आपकी वाइट है तो इस कलर का धागा बांध लीजिएगा। ये फ्रेंड्स ऐसे ही बाहर नोट लगाएंगे, धागा ऊपर घुमा के एक बार क्रोशिए को नोट लगा के हम इसको अंदर ऐसे ले आएंगे, बिल्कुल शुरू से जहाँ पे हमारी चोली ख़त्म हुई है वहाँ पे मैंने इसको नोट लगा के ज्वाइन किया है। अब देखिएगा एक थोड़ में दो निकालूँगी स्लिप स्टिच से, तीन की चैन लूँगी, दोबारा फिर वहीं पे ऐसे जोड़ दूँगी। अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो सिंपल बना लीजिए। थोड़ा आगे जाएंगे, एक और ये हाफ डबल क्रोशिया, एक दो तीन, दोबारा नीचे ऐसे दो फंदे उठा के हमें यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। थोड़ा और आगे जाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकाल दूँगी और फिर तीनों को एक बार एक दो तीन की चैन लेके दोबारा नीचे आके स्लिप स्टिच से इसको ऐसे जोड़ना है हमें। क्रोशिया ऊपर रख के आगे जाएंगे एक बार, दोबारा फिर वहीं पे दो बार, ठीक है। देखिए बड़ी प्यारी हमारी ये सामने कोर बनेगी, एक दो तीन की चैन, दोबारा मुझे डबल लूप उठाना है और ऐसे स्लिप स्टिचेस को बंद कर देना है। धागा ऊपर रख के एक बार तीनों एकदम निकालेंगे, दो बार दो तीन स्लिप स्टिच करना है हमें, ऐसे निकाल देना है, एक ये दो, एक दो तीन की चैन, ऐसे निकाल देना है। थोड़ा आगे जाना है, देखिए झोल भी नहीं पड़ना चाहिए आपका और ज़्यादा खिंचो भी नहीं आना चाहिए, ऐसे आप पीछे देखते रहिएगा कि हमारी ये बिल्कुल सही आएगी सामने, ठीक है। देखिए मैं ऊपर आ गई हूँ, तीन की चैन, दो फंदे उठा के ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे, दोबारा जोड़ देंगे। अब बिल्कुल ऊपर कोर पे चली गई हूँ, यहाँ पे देखिए एक बार ये दो बार, ठीक है, एक दो तीन फंदे, सॉरी चैन स्लिप स्टिच से बंद करूँगी। देखिए अब मुझे यहाँ पे ऐसे ऊपर मुड़ना है, एक तो मैंने यहाँ पे बना लिया, दोबारा फिर मैं यहीं पे दो बनाऊँगी ताकि हमारी गोलाई से आ जाएगी ऊपर। ये देखिए एक थोड़ मैं दो बार बना रही हूँ वहीं पे उसी हॉल में, तीन की चैन ले ली है मैंने, वापस नीचे से दो लूप उठाने हैं और स्लिप स्टिच से ऐसे बंद कर देना है। थोड़ा खुला रखिएगा चैन को, फिर निकलती नहीं है,
ठीक है, अब आगे जाएंगे, बस इसी तरह पूरा राउंड घूमेगा। देखिए यहाँ पे मैंने दो बनाए हैं जो हमारे ऊपर गले की गोलाई है, ठीक है, ताकि हमारा एक खिंचाव नहीं पड़ेगा। ऐसे घुमा के दोबारा वापस आऊँगी, इस होल में भी मैं अपने दो बार बनाऊँगी, फिर ऐसे नीचे आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो बार बनाए हैं, इस होल में भी ऊपर दो बार बनेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सेम मैंने यहाँ पे चार निकाले हैं दो बार, और इस ऐसे नीचे आ गई हूँ। लास्ट में जहाँ पे हमने शुरू किया था वहीं पे ऐसे जोड़ देंगे इसको, एक चैन लेके धागा कट कर दूँगी और सेम डिज़ाइन में अपना बाजू में लगा लूँगी। यही डिज़ाइन में सेम अपना बाजू में बनाऊँगी, ठीक है। धागा अंदर छुपा देंगे, देखिए अंदर छुपा के इसको थोड़ा लंबा कट करेंगे, नोट लगा के कट करेंगे, अंदर ऐसे नहीं कट करेंगे, बनाई फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नोट लगा के एक चैन लेके नोट लगा दीजिए, फिर इसको कट करेंगे। अब मैं सेम डिज़ाइन इसी तरह का बाजू में बना लूँगी, ठीक है। देखिए बहुत प्यारा हमारा आसान सा और सिंपल सा डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बन गया, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी बाजू में भी सेम डिज़ाइन डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। देखिए आप लाइक नहीं करते तो नए डिज़ाइन तैयार नहीं होते, ठीक है। प्लीज़ आप ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।